हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं गंगोबाई मूवी की सच्चाई। ये बात है 1960 के दशक की कोठेवाली गंगोबाई काठियावाड़ी की, जिनके किरदार में नजर आ रही है आलिया भट्ट, जिनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन फिल्में अक्सर छेड़छाड़ की जाती है। फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए कॉमेडी का तड़का लगाया जाता है। फिल्म में गंगोबाई काठियावाड़ी को तवाइफ के रूप में दिखाया गया है, लेकिन गंगूबाई के परिवार का कहना है कि गंगूबाई कोठे पर काम करने वाली महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थी और फिल्म में उन्हें ही वैसा बताया गया है। ये बदनाम करने की साजिश है। अब आप सोच रहे होंगे वैश्या की फैमिली कैसे हो सकती है। इसका मतलब यह है कि संजय लीला भंसाली से कोई मिस्टेक हुई है। उनके परिवार से परमिशन नहीं लिया गया इस मूवी के लिए। गंगूबाई के परिवार ने कोर्ट में जाकर अपील भी की, हमारी माँ को इस फिल्म में वैश्या बताया गया है, उन्हें इस धंधे में धोखे से लिया गया था। उनके परिवार में सब पढ़े लिखे थे। 16 साल की उम्र में गंगूबाई ने रामनिक लाल नाम के एक लड़के को अपना दिल दे दिया। रामनिक लाल गंगूबाई काठियावाड़ी के पिता के पास मुनीम का काम करते थे। गंगूबाई का परिवार रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए वो रामड़िक के साथ मुंबई भाग आई। लेकिन रामड़िक के गंगूबाई को धोखा दिया और कमाटीपुरा में बेच दिया, जिसके बाद उन्हें इस धंधे को गले लगाना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि अब उनका परिवार उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे वक्त गुजरता गया, वो रेड लाइट की लीडर बन गई। इस तरह गंगूबाई पहले गंगू बनी, फिर माफिया क्वीन बनी। गंगूबाई अन्य वैश्या के लिए माँ की तरह थी। इस तरह उन्होंने साम्राज्य बहुत बड़ा कर लिया। कई सारे कोठे उनके मालिक बन गई। उनके अंडर में 500 से ज़्यादा महिलाएं धंधा कर रही थी, लेकिन गंगूबाई ने उनके ऐसे काम किए जो बिना मर्जी कोठे पर लाई गई, उन्हें घर भिजवाया और बिना उनकी मर्जी से कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। सच क्या है ये तो सही से मुझे भी नहीं पता। आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे, सचिन दीक्षित की कहानी है एक, जो वैश्याओं को दर्शाती है। वो भी कैसी बस्ती है जहाँ पर तू बसती है, मर्जी तेरी थी ना थी, मजबूर होकर हंसती है। लोगों ने इतना जाना है, तू काम एक ही आना है। क्या ये सोच तुझे सताती है, क्या तू वापस जीना चाहती है। क्या बचपन तेरा छीना था, क्या मुश्किल तेरा जीना था। उन हालातों से हार चुकी हर रात, एक अलग नया बिछोना था। झांसा अच्छे जीवन का क्या देखकर तुझको लाया था। क्या भूल चुकी है वो जो हर सपना तूने सजाया था। क्या आज भी तू तरसती है इस दलदल से बाहर जाने को। क्या आज भी तू तरसती है फिर से घर जाने को। क्या ये पहचान बनाने के लिए दुनिया ने तुझे उकसाया है। अगर नहीं तो फिर ये रास्ता क्यों अपनाया है।